हेलो एवरीवन सो टुडे टॉपिक इज टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप बेसिकली यहाँ पर दो तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं एक है लाइट माइक्रोस्कोप या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं इसे और दूसरा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अब जो लाइट माइक्रोस्कोप है और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इनके भी सब डिवीजन है जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप का डिवीजन है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी फेस कंट्रास्ट पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी और कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उनके सब डिवीजन है ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोपी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अब ये जो सब डिवीजन है ये इनके प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं कि किस तरह से ये काम करते हैं अब हम इन सभी माइक्रोस्कोपी को पढ़ेंगे एक एक करके तो पहला जो है लाइट माइक्रोस्कोप इसके बारे में ब्रीफ थोड़ा समझ लेते हैं होता क्या है इन दिस माइक्रोस्कोप लाइट ट्रेवल थ्रू स्पेसीम देफोर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसमिशन लाइट माइक्रोस्कोप तो ये लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें जो स्पेसिमेंट होता है उससे लाइट पास हो जाती है इसीलिए इसको ट्रांसमिशन लाइट माइक्रोस्कोप भी बोला जाता है द लाइट माइक्रोस्कोप क्रिएट अ मैग्निफाइड इमेज ऑफ अ स्पेसमैन विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन एब्जॉर्बशन डिफ्रेक्शन एंड रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट वेव तो ये प्रिंसिपल होते हैं इनके बेसिस पर ही इनका जो सब डिवीज़न है लाइट माइक्रोस्कोप का वो बेस्ड होता है जैसे कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी है ये बेस्ड होता है ट्रांसमिशन पर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है ये बेस्ड होता है ट्रांसमिशन पर और डिफ्रेक्शन पर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद अ सिंगल आई पीस इज सेट टू बी मोनोकुलर एंड वन विद टू आई पीस इज सेट टू बी बाइनकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें भी दो तरह के कंपाउंड माइक्रोस्कोप होते हैं कैसे ये बेस्ड होता है उनकी आईपीस की संख्या पर अगर एक है आईपीस की संख्या तो बोलेंगे मोनोकुलर अगर आई की संख्या है दो तो बोलेंगे बाइनोकुलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आगे देखते हैं तो जो पहली माइक्रोस्कोपी है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी उसके बारे में जानते हैं द नेम ब्राइट फील्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट स्पेसमैन इज डार्क एंड द कंट्रास्ट बाय द सराउंडिंग ब्राइट व्यूइंग ब्राइट व्यू फील्ड तो ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप ही है ये अपने आप में बता रहा है कि जो फील्ड है जो सराउंडिंग है वो ब्राइट होगी और जो इमेज है वो डार्क होगी तो ये आपस में कंट्रास्ट बन के ही इमेज बना रहे हैं स्पेसिमेन जो है वो डार्क इमेज प्रोड्यूस होगा और उसकी जो सराउंडिंग होगी वो ब्राइट होगी ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी इज द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप टेक्निक तो बहुत कॉमन है ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी बहुत ही ज्यादा कॉमन है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी टिपिकली हैज लो लो कंट्रास्ट विद द मोस्ट बायोलॉजिकल सैम्पल हैज फ्यू एब्जॉर्ब लाइट टू अ ग्रेट एक्सटेंट तो इसमें जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी होती है इसमें जो कंट्रास्ट होता है वो बहुत ही कम होता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइट है वो स्पेसिमेन से पास हो जाती है और कोई इंटेंसिटी में वेरिएशन नहीं होता इतना ज़्यादा अच्छा इंटेंसिटी में वेरिएशन नहीं मिल पाता इस वजह से जो इमेज फॉर्म होती है वो ब्लर बनती है तो इसको करेक्ट करने के लिए दो तरीके हैं एक स्टेनिंग कर दी जाए अगर हम स्टेनिंग कर रहे हैं तो उस दौरान जो हमारा स्पेसीमैन है वो किल्ड हो जाएगा और दूसरा तरीका है हम ऐसा ही स्पेसीमैन चूज करें जिसमें ऑलरेडी नेचुरल कलर हो जैसे कि स्टेनिंग इज ऑफन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज कंट्रास्ट विच प्रिवेंट यूज ऑफ लाइफ सेल्स इन मैनी सिचुएशन तो जो सेल होता है वो किल्ड हो जाता है दूसरा है ब्राइट फील्ड इल्यूमिनेशन इज़ यूजफुल फॉर सैंपल्स दैट हैेंसिक कलर पहले से ही कलर मौजूद है फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल तो क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर होता है पहले से ही तो वो अच्छा कंट्रास्ट प्रोड्यूस करता है इसमें स्टेनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ये होती है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी नीचे लाइट सोर्स है लाइट सोर्स कंडेंस हो जाती है कंडेंस लेंस से और स्पेसीमैन पर जाती है स्पेसीमैन से पास होकर के ये ऑब्जेक्टिव लेंस से फिर आई पीस पे जाती है मैग्नीफाइड होके हो और फिर आई के थ्रू हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं आई होप यू अंडरस्टैंड इफ़ यू लाइक माई देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू